अजमेर नगर निगम के वार्ड संख्या 66 स्थित ओम नगर हरी नगर के निवासियों को लंबे समय से पट्टा नहीं मिल पा रहा। कई चक्कर लगाने के बावजूद भी उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद मनोनीत पार्षद कपिल सारस्वत सभी क्षेत्र वासियों के साथ नगर निगम कार्यालय पहुंचे और इस संबंध में महापौर आयुक्त और उपमहापौर से चर्चा कर निस्तारण की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और नगर निगम पट्टा देना चाहती है, लेकिन कर्मचारी अधिकारी इसमें लापरवाही बरत रहे हैं और उन्हें अलग अलग कारण निकाल कर पट्टा जारी नहीं किया जा रहा, जबकि एक परिवार को पट्टा मिल गया और उसी के ही दूसरे परिवार को पट्टा नहीं दिया जा रहा। इन सभी समस्याओं को लेकर चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द से जल्द उन्हें पट्टा नहीं दिया जाता है तो फिर अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। ये वार्ड 66 के लोग हैं, हरिनगर जो एरिया है, ओमनगर हरिनगर जो एरिया है, इनकी शिकायत ये है कि ये लोग आते हैं, इनको पट्टे नहीं मिल रहे। पट्टे नहीं मिलने के कारण आज हम लोग आयुक्त साहब से मिले, आयुक्त साहब के मिलने के बाद हम हमारे मेयर साहब से मिले और हमारे डिप्टी मेयर साहब से मिले और उन्हें अवगत कराया कि ये जो लोग आते हैं बार बार और इनको पट्टे नहीं मिल रहे। पता नहीं कोई ना कोई तकनीकी कारणों से या पता नहीं कौन कौन से हर जब भी आते हैं और हर बार अलग अलग कारणों से इनको वापस निराशा से लौटना पड़ता है। तो हम लोगों ने बात करी तो ये इनका ये है कि भाई इनके जो पड़ोसी हैं, दो भाई हैं, तो एक भाई को तो पट्टा मिल गया और एक भाई को पट्टा ही नहीं मिल रहा। तो जो आज हम लोगों ने बिल्कुल सही तरीके से जो हमारे उच्च है, जैसे चाहे मेयर साहब है, चाहे आयुक्त साहब है, चाहे डिप्टी मेयर साहब है, उन्होंने तक हमने हमारी बात पहुँचाई है और अब वो हमने उन्होंने कहा कि इससे संबंधित जो भी अधिकारी है आप उनकी मीटिंग करें और हमें सकारात्मक उत्तर दें। अगर ये अगर सकारात्मक उत्तर नहीं देते तो हम अधिकारियों के खिलाफ फिर मोर्चा खोलेंगे। क्या लगता है आपकी कांग्रेस सरकार इस तरह के पट्टे दे रही है? इस तरह का अधिकारी काम नहीं, नहीं सर, कांग्रेस मुख्यमंत्री जी की तो मंशा है पट्टे देने की, उन्होंने तो उनकी तो पूरी मंशा है। लेकिन और मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई हमारे मेयर और ये डिप्टी मेयर इनकी भी मंशा है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो पता नहीं किस नींद में सोए हुए हैं। अगर वो नींद में सोए हुए हैं तो फिर हम लोग जो जनता है हम उनके पास जाएंगे और उनका धरना और उनका घेराव करेंगे, और अगर ये फिर भी नहीं मानेंगे तो हम हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तक अपनी बात पहुंचाएंगे। आपका नाम और? कपिल सारस्वत, मनोनीत पार्षद, नगर निगम अजमेर। ओमनगर वार्ड 66 से आए हैं हम, हमारे पट्टे नहीं हुए हैं और हमारे सामने जो दो भाई हैं उसमें से एक भाई को मिल गया, एक भाई को नहीं मिला। तो ना हमें ये थोड़ा ऐसे खटक रहा है कि क्यों हमें क्यों नहीं मिल रहा है या उनको क्यों नहीं मिला, वो जब एक भाई को मिल सकता है तो दूसरे को क्यों नहीं मिल। तो वो कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे, हमने कहा है उन्हें, तो हम सोचते हैं उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बात सुने और हमारी एक्शन लें। क्या आश्वासन मिला आपको इनसे? कहा हम सोमवार को मंडे को जवाब देंगे। आपका नाम? मेरा नाम मीरा प्रजा।